तैयारी के दौरान मैं एक बार बीमार पड़ गया, डेंगू हो गया, तो उससे मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। आकाश ने मेरे को बहुत हेल्प किया उस बैकलॉग को ख़त्म करने में, तो मैं उसका आभारी हूँ उनके लिए। डेंगू क्या एग्ज़ाम के दौरान हुआ था, उससे पहले? नहीं, एग्ज़ाम के पहले हो गया था, एक्चुअली 10th के टाइम हुआ था। और किस तरह के सवाल पूछे गए थे इस बार? थोड़े घुमा के सवाल पूछे गए थे, उन्होंने ट्राई किया था पेपर का लेवल बढ़ाने का, लेकिन उतना उनका मतलब पेपर का लेवल तब भी ईजी ही रहा और 720 कई लोगों ने स्कोर किया। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनकी सुबह से ही चर्चा हो रही है, उनका नाम है आयुष। इन्होंने भी 720 में से 720 स्कोर किए हैं और डॉक्टर बनने के लिए अब इन्होंने पूरी तरह से अपने रास्ते खोल दिए हैं। आइए बात करते हैं आयुष से और इनसे जानते हैं इनकी तैयारी कैसी रही। आपके बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आयुष नौकरिया हूँ। मैं आकाश में 9th में ज्वाइन किया था और 9th से ही तैयारी कर रहा था नीट 2024 के लिए। और आकाश के स्टडी मटेरियल, डाउट सेशंस, टीचर्स की क्लियरेंस और उनके मोटिवेशंस मेरे को बहुत काम आए। मैं स्टार्टिंग से ही उनकी सारी बातें मानते आ रहा था। और 9th-10th में मैं मतलब थोड़ा उतना नहीं अच्छा कर पा रहा था, तो चंदन सर और माकन्या सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया उस टाइम पर। और उसके बाद 11th-12th में मैं सौरभ सर और लाजपत सर के गाइडेंस में अच्छे से करता रहा। अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? मैं अभी लोयला स्कूल का हूँ। अच्छा, हमें ये बताएं तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगभग? मैं स्कूल और कोचिंग के अलावा 6 घंटा सेल्फ स्टडी को मतलब अपना रखता था टारगेट। कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की थी? ऑनलाइन मैं अवॉइड करता था कि फ़ोन से थोड़ा दूर रहूं। अच्छा, तो अब आपने टॉप कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में चर्चा है कि टॉपर है, तो अब आपका आगे का एम क्या है, कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करना है? मैं एम्स दिल्ली जाना चाहता हूँ। कार्डिक सर्जन। मतलब इसको ही क्यों, क्या जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उस वजह से? हाँ बिल्कुल, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश में इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें मेरे को काम करना चाहिए। आपको लगता है क्योंकि देश में कार्डियोलॉजिस्ट की वैसे भी संख्या कम है? हाँ यही लगता है मेरे को। तो मतलब ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो नीट क्लियर करने के बाद विदेश चले जाते हैं, लेकिन आपको अपने देश की सेवा करनी? हाँ, मैं देश में ही रहकर सेवा करना चाहता हूँ अपने देश की, और विदेश में जाके नहीं करना चाहता हूँ। और आपके मॉम डैड क्या करते हैं? मेरी माँ टीचर है और पिताश्री इनकी बिजनेस की है, कपड़ों की दुकान है। नाम बता दीजिए। माँ सुषमा गुप्ता, पिताश्री संजय नौकरी का। तो आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? मैं झांसी का हूँ, लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था। लखनऊ में कितने साल से? लखनऊ में 2 साल से हूँ मैं। लखनऊ में 2 साल से? हाँ। ओके, और अभी आपके एज क्या होगी? अभी मैं 17 साल। 17 साल में मतलब आपने डॉक्टर बनने की लाइन अपनी खोल दी है। हाँ। तो अब MBBS करने के बाद आगे MS? हाँ, MS। तो और कुछ जानकारी जो आप बताना चाहें, अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां सामने आईं? तैयारी के दौरान मैं एक बार बीमार पड़ गया, डेंगू हो गया, तो उससे मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। आकाश ने मेरे को बहुत हेल्प किया उस बैकलॉग को ख़त्म करने में, तो मैं उसका आभारी हूँ उनके लिए। तो डेंगू क्या एग्ज़ाम के दौरान हुआ था, उससे पहले? नहीं, एग्ज़ाम के पहले हो गया था, एक्चुअली 10th के टाइम हुआ था। और किस तरह के सवाल पूछे गए थे इस बार? थोड़े घुमा के सवाल पूछे गए थे, उन्होंने ट्राई किया था पेपर का लेवल बढ़ाने का, लेकिन उतना उनका मतलब पेपर का लेवल तब भी ईजी ही रहा और 720 कई लोगों ने स्कोर किया। आपने उम्मीद की थी इतना आ जाएगा? मेरा 700 प्लस था, मतलब आ जाएगा, लेकिन जब आंसर किया तो पता चल गया हाँ 720। तो जो बच्चे सफल नहीं हो सके आप लोग उनके लिए इंस्पिरेशन है, कुछ कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा हौसले बुलंद रखे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो मतलब जैसे आपने कोचिंग के थ्रू किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलेगी? नहीं, उनको भी मिलेगी, अगर वो सीरियसली ऑनलाइन अपने सारे डिस्ट्रेक्शंस को रिमूव कर दे तो उनको भी अवश्य सफलता मिलेगी, मेहनत करने वालों को अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो अभी आकाश में किस तरह का सम्मान समारोह आपका किया गया, मोटिवेशन? कल हम लोग ने का मतलब सर RD सर आए थे, उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया कि आगे जाके करना है। और कल मतलब मिठाई वगैरह का भी समारोह हुआ, तो उससे मैं कल समारोह हुआ। तो आपके माता पिता भी यहाँ नहीं है? अभी वो आ रहे हैं। हाँ। माता पिता का क्या रिएक्शन था जब आपने फोन पे बताया? वो बहुत खुश थे, काफी खुश थे। हाँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने आयुष और आर्यन दोनों को सुन लिया, दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टॉपर हैं और आकाश से उन्होंने तैयारी की थी, और खास बात यह है कि दोनों ही टॉपर हैं और दोनों ही दिल्ली एम्स में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, जहां आज ज़्यादातर विदेश भागने की बच्चों के अंदर रहता है कि वहां पे क्योंकि जो वर्कलोड है वो कम होता है,
और एक सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये बच्चे हमारे देश के अंदर ही रहकर सेवा करना चाहते हैं। एक न्यूरो में जाना चाहता है जबकि दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। तो यकीनन ये दो बच्चे हमारे देश के दूसरे बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो बच्चे सफल नहीं हो सके तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और कोई भी जो तैयारी कराने वाली कोचिंग्स होती हैं उसमें भी ज्वाइन करके अपना 100% दे सकते हैं। तो यकीनन इन बच्चों की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तब तक जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।